everyone, I'm Mohammad Anas and today's topic is that how to bring confidence in your personality. हमारी personality में हमारे आपके अंदर एक self confidence कैसे build up करें? काफी सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिन्हें पता होता है कि उनकी journey कहाँ से start होने वाली है, आगे का procedure क्या है, किस किस situation में उन्हें क्या करना है, ये सारी चीजें उन्हें पता होती है, लेकिन वो लोग start नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि उनके अंदर self confidence ही नहीं होता है. उन्हें वो एक कश्मकश में रहते हैं, एक चिंता में रहते हैं कि यार सक्सेस होगा कि फेल होगा, कैसा होगा, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा. इस तरह के वो कश्मकश में चिंता में रहते हैं और उनके सारों बिक जाते हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस कभी बिल्ट अप नहीं होता. इसलिए सबसे पहला पॉइंट ये है अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करो. हमारे अपने अंदर एक भरोसा रखो, खुद के ऊपर एक भरोसा रखो कि हम जो भी डिसीजन लेंगे वो हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा. और अगर आप आगे फ्यूचर में जाकर फेल होते हो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी एक फील्ड में अगर आप फेल होते हो, सो यू आर वेरी ब्लेस्ड बिकॉज यू गॉट एक्सपीरियंस. आपके पास वो एक्सपीरियंस आ चुका है कि अभी अगली बार जब मैं इस चीज को ट्राई करूंगा तो ये गलती जो मैंने अभी दोहराई है वो गलती मैं नहीं करूंगा. ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है. इस तरह से हमारा अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड होता है. क्योंकि मैं अपने लाइफ में जो है ज्यादातर जो यूज करता हूँ, दैट इज जो चीजें करने से हमें डर लगता है उन चीजों को ट्राई करो. मैंने ट्राई किया है, मेरे डैडी से मैंने कम्युनिकेशन स्किल सीखी है. वो जो है रास्ते में मतलब किसी भी लोग से अपने कम्युनिकेट करने लग जाते हैं या हमारा रास्ता पूछ लेते हैं, तो मैंने भी एक बार ट्राई किया, किसी भी अनजान इंसान को मैंने रास्ता पूछ लिया और उसने बता भी दिया, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, तो ये गेम मैं खेलने लग गया. इस तरह से मेरा अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग गया और मैंने सोचा कि यार वो सामने वाला भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ और हम जस्ट एक बात कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग, सो इसमें कौन सी डरने की बात है. तो इस तरह जब आप नई नई चीजों को ट्राई करते हो जो कि आपके लिए मुश्किल होती है, तो आपके अंदर भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होने लग जाता है. सो दैट वाज अ टिप व्हिच आई वांट टू गिव यू. ये सारी टिप्स थी जो कि मुझे आप लोगों को दे रही थी और मुझे ये टिप्स बहुत अच्छी लगती है जो कि मैंने अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट किया है. सो इंप्लीमेंट दिस इन योर लाइफ ऑल्सो.